सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मद वालेही वसल्लम। सलाम हो सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आले पाक पर। सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और जो आपको आज मैं हल बताने जा रहा हूँ, फल के केले करिए। अगर आपको रिजल्ट मिलेगा तो मेरी वीडियो में आपने कमेंट लाजमी करना है, मुझे फीडबैक लाजमी देना है, मुझे आपके फीडबैक और कमेंट का लाजमी इंतजार रहेगा। तो फल के केले के कंट्रोल के लिए इसका वक्त कब होगा कि आपने स्प्रे कब करना है? फल जब मटर के साइज का या छोटी इलायची के साइज का, फल जब मटर के साइज का, छोटी इलायची के साइज का या काली मिर्च के साइज का, यानी छोटे साइज का जब फल बन जाता है, आपने सबसे पहले बोरान का स्प्रे करना है। बोरान का स्प्रे आपने करना है। बोरान आपने सिंजेंटा या एफएमसी, इन दोनों का ही लेना है। मैं इसके अलावा स्वाद एग्रो का एक ब्रांड तजवीज करता हूँ, क्योंकि ये मुस्तनद ब्रांड है, तो मेरी तवज्जो ज्यादा एफएमसी, स्वाद या सिंजेंटा। बुरान के मामले में मैं इन तीनों का ही बुरान तजवीज करता हूं, और ये होना भी 1 kg वाला चाहिए। ये कहीं सोना वाला बुरान लेकर स्प्रे ना करने लग जाइएगा। सोना वाला जो बुरान है ना, वो बेसल डोज के लिए जमीन में इस्तेमाल करने के लिए होता है। मैंने आपको बता दिया कि एफएमसी स्वाद और सिंजेंटा का बुरान होना चाहिए। 1 kg इसका आपने लेना है। 1 kg लेकर आपने 15 दिन के वक्फे से 2 स्प्रे करने हैं। अगर आप 15 दिन के वक्फे से बुरान के 2 स्प्रे कर देते हैं, चाहे तरछावा बागात हो, अमरूद के बाग हो, आम का बाग हो, फल का गेरा कभी नहीं होगा इंशाल्लाह। ये 2 स्प्रे आपने करने हैं। अब इस वक्त टाइम जो जा रहा है, इसके बाद आपने देखना है कि कली अरूद पर है, तो बहार अपने अरूद पर है। तो अभी ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है, ये प्रोग्राम आज इसलिए नशर किया है कि इसके फौरी बाद अपना बाग जो है उसको चेक करें। जैसे ही उसमें आपको मटर के दाने का साइज नजर आएगा, तो ध्यान में रखिएगा, फल का केला भी आपको नीचे नजर आना शुरू हो जाएगा। तो मैं अक्सर अपने दोस्तों को, जो बड़ा क्रिटिकल मरहला है, तो मैंने 3 आपको निशानियां बताई हैं। एक मटर के साइज का बताया, एक छोटी इलायची के साइज का बताया, एक छोटी काली मिर्च के साइज का मैंने फल बताया। काली मिर्च के साइज का फल जब हो जाए ना, तो स्प्रे करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जब काली मिर्च के साइज का फल होता है ना, तो कुछ फल उस वक्त मटर के साइज का हो चुका होता है। चाहे तरछावा बागात हो, चाहे आम के बाग हो, चाहे अमरूद के बाग हो, कोई भी आपका बाग है, जैसे ही, कहने का मकसद है कि कली से जैसे ही बाग अपनी कली मुकम्मल करता है और वो फल की तरफ जाना शुरू करते हैं, फल बनना शुरू होता है, तो फौरी तौर पर आपने स्प्रे कर देना है। अगर आप ये फौरी स्प्रे कर लेते हैं तो 20% आप ज्यादा पैदावार ले लेंगे। यानी ये इतना क्रिटिकल मसला है, मैं इसलिए ज्यादा इस पर आपको जोर दे रहा हूं कि जहां पर आपने बार बार अपने बाग को चेक करना है, जैसे ही उसका फल मुकम्मल हो, फौरी स्प्रे होना चाहिए आपका। अगर आप फौरी स्प्रे कर लेते हैं तो 20% आप ज्यादा पैदावार ले लेंगे। लेकिन अगर आप मटर के साइज के दाने का इंतजार करते रहे कि मटर के साइज का दाना तरछावा बागात में या अमरूद में हो जाए, या आम में कदरे इससे थोड़ा बड़े साइज का दाना हो जाता है, अगर आप इंतजार करते रहे, तो ध्यान में रखिएगा कि कम से कम 25% फल आपका गिर चुका होगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। वो इतने छोटे साइज का होता है, जैसे नीचे गिरता है जमीन की, वो नीचे दराड़ों में ही घुस जाता है, हमें नजर भी नहीं आ रहा होता, सूख जाता है, फौरी सूख जाता है, छोटा होता है ना, कच्चा फल होता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप ये स्प्रे टाइम पे कर लेते हैं, तो पहले स्प्रे से 20% ज्यादा पैदावार छतिया हो जाती है, और अगर आप 2 स्प्रे कर लेते हैं 15 दिन के वक्फे से, तो इंशाल्लाह फिर आवारे न्यारे हो जाएंगे। आपको फल के साइज का बता दिए। तरछावा बागात में भी आपको पता है बहुत सारी किस्में हैं, कोई पहले फल लेता है, कोई बाद में कली बनाता है, कोई हर चीज का एक अलग वक्त है। तो मैंने आपको फल का साइज बता दिया। कली से जैसे ही फल की तरफ आपका बाग जाए, आपने बुरान के 2 स्प्रे कर देने, फल का केरा कभी नहीं होगा इंशाल्लाह। इससे आपकी भरपूर फसल आपको मिलेगी। और ये एक अपना असूल बना ले कि जैसे ही कली मुकम्मल हो, फूल मुकम्मल हो, और जैसे ही फल बनना शुरू हो, उसकी निशानी ये होती है कि उसकी पत्तियां गिरना शुरू हो जाती हैं नीचे, वो निशानी होती है कि आप ये फल बनना शुरू हो गया। जैसे ही पत्तियां नीचे गिरना शुरू होना, उसमें स्प्रे हो जाना चाहिए बुरान का। इस मौके पर अगर बुरान की कमी होगी फसल में, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम अच्छी पैदावार ले सके। और ये इतना शिद्दत से केरा होता है ये फल का, आपकी सोच होगी, मैंने खुद ऑब्जर्व किया फील्ड में, 60% तक मैंने बड़े आराम से देखा कि केरा हो जाता है, 60% तक, फूल ही नहीं होता। तो इसको बड़ा आम ना लें, ये बड़ा क्रिटिकल मरहला है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और बुरान का स्प्रे करने के बाद अगर आपको रिजल्ट मिले, तो मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मुझसे वादा करें, मेरे कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करना है, मुझे बताना है कि आपको रिजल्ट मिला कि नहीं मिला। अगर रिजल्ट ना मिले तो भी तनकीद करनी है, तो मुझे बताना है कि मैंने आपका वक्त जाया किया। और मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा, ये मैं आपसे शर्त या ग्रंटेड वादा कर रहा हूं।
इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बुरान ये कहीं सोना वाला ना हो 3 kg वाला, ये 1 kg वाला FMC स्वास्थ्य इनका बुरान होना चाहिए, ग्रंटेड होना चाहिए। शर्तिया किस्म का आपके पास प्रोडक्ट होगा तो रिजल्ट भी शर्तिया मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आप बहुत बेहतरीन तरीके से फाल के घेरे को कंट्रोल करने के लिए सीख पाए होंगे। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अल्लाह ताला खुश रखे, सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, अल्लाह आपका हामी नासर हो। वस्सलाम।